रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि किसी को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे लोग देश के साथ वफादार नहीं हो सकते। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को बार बार नकारे जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। खासतौर पर सबूत दिखाने की मांग पर स्वामी ने कहा है कि इस तरह के सबूत कभी दिखाए नहीं जाते, भले कोई आरोप लगाता रहे, हर चीज का खंडन करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाल ही में हुए रियो पैरालंपिक खेलों में शॉट पुट में सिल्वर पदक जीतने वाली दीपा मलिक ने विस्तारा एयरलाइंस के कर्मियों पर उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। दीपा का आरोप है कि क्रू मेंबर्स ने उनसे धीरे बोलने को कहा, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एयर होस्टेस बोली, स्वीट हार्ट चिल। बीसीसीआई में सुधारों को लेकर चल रही सुनवाई पर अपना अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक बीसीसीआई से कहा है कि आप बीसीसीआई पदाधिकारियों से शुक्रवार तक निर्देश लेकर आएं और बताएं कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें आप पूरी तरह मान रहे हैं या नहीं, वरना हम समिति के कहे मुताबिक राज्य क्रिकेट संघों को जारी होने वाले फंड पर रोक लगाने का आदेश देंगे। मानव संसाधन मंत्रालय की एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित बिमला की मां ने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए दलित होने का दावा किया था और रिपोर्ट में रोहित को छात्रावास से निकाला जाना सही बताया है। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार को मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य पर औपचारिक बयान जारी करने या उनके अस्पताल में दाखिल रहने तक के लिए किसी कार्यवाहक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 18 का फ्रेंच गुयाना में कोरू के अंतरिक्ष केंद्र में एरियन स्पेस रॉकेट के जरिए आज सफल प्रक्षेपण किया गया। कोरू दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर तट स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके सफल प्रक्षेपण को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का दूसरा मील का पत्थर बताते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उड़ी हमले के बाद पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने से परेशान पाकिस्तान सरकार ने अपनी सेना को जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रत्यक्ष और सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के वरिष्ठ पदों पर बैठे सूत्रों के हवाले से ये खबर दी गई है। भारतीय सेना द्वारा पीओके में घुसकर आतंकियों पर किए गए हमले की चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। इसी सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि इसको विवादित विषय बना दिया गया है और देश के बड़े नेताओं ने इस सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, साथ ही इसके सबूत मांगे हैं। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। घरेलू शेयर बाजार कमजोर ग्लोबल संकेतों के दबाव में रहा। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई और इस वजह से अच्छी शुरुआत के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी गिरकर बंद हुए। ट्रेडिंग के दौरान ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की और निफ्टी में लगभग 100 अंकों की गिरावट आई।